काइंड्स ऑफ एग्रीकल्चर इनकम, कृषि आय के प्रकार। कृषि आय के प्रकार में सबसे पहले फर्स्ट टाइप है भूमि से प्राप्त किराया, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम लैंड। यदि भूमि का मालिक की भूमि को किसी अन्य व्यक्ति को कृषि कार्य करने के लिए दे देता है और उसके बदले में जो कृषि कार्य कर रहा है उससे जो राशि प्राप्त होगी वह राशि या रेंट किराया एग्रीकल्चर इनकम माना जाएगा। यह किराया मुद्रा में भी प्राप्त हो सकता है और अन्य वस्तु में भी प्राप्त किया जा सकता है, तो भी इसे कृषि आय में सम्मिलित किया जाएगा। सेकेंड, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चर, भूमि पर कृषि करने से प्राप्त आय। यदि कोई व्यक्ति भूमि का मालिक हो सकता है, किराएदार, भूमि गिरवी रखने वाला अथवा अन्य कोई व्यक्ति भूमि पर खेती करता है तो खेती से प्राप्त आय कृषि आय कहलाएगी। खेती करने से हमारा अभिप्राय भूमि को जोतना, पानी देना, बीज बोना आदि क्रियाएं करने से है। भूमि पर कृषि संबंधी कोई भी कार्य करने से जो आय प्राप्त होती है वह कृषि आय कहलाएगी। नेक्स्ट है, इनकम डिराइव्ड फ्रॉम एनी प्रोसेस एम्प्लॉयड टू रेंडर द प्रोड्यूस फिट फॉर मार्केटिंग। उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है उससे होने वाली आय कृषि आय कहलाती है। यदि कृषक अपने खेत में उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए कुछ ऐसी क्रियाएं करता है जो साधारणतः आवश्यक होती है तो ऐसी क्रिया से प्राप्त होने वाली आय कृषि आय कहलाएगी। ऐसी क्रियाओं से प्राप्त आय का अर्थ यह है कि फसल के विक्रय मूल्य में वृद्धि होने के कारण होने वाला लाभ। जूट के पौधे से रेशा निकालना और उसकी सफाई करना, कॉफी या तंबाकू को विक्रय योग्य बनाने इत्यादि क्रियाएं कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो कि उपज को विक्रय योग्य बनाने के लिए की जाती है। परंतु खरीदी हुई फसल पर ऐसी क्रियाएं को करने से होने वाली आय कृषि आय नहीं कहलाती है। सरसों से तेल निकालना या ईख से गुड़ या खांड बनाना तथा कपास से बिनोला अलग करना ऐसी क्रियाओं में शामिल नहीं होता। ऐसी क्रियाओं का किया जाना उसी दशा में आवश्यक माना जाता है जबकि वस्तु को बिना इन क्रियाओं को किए बाजार में नहीं बेचा जा सकता हो। साथ ही इन क्रियाओं से वस्तु के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम सेल ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, किसान द्वारा कृषि की उपज को बेचने से प्राप्त आय। यदि कोई कृषक अपनी स्वयं की दुकान खोलकर अपनी पैदावार को ऊंची कीमत पर बेचता है तथा अधिक आय प्राप्त करता है तो समस्त आय उसके लिए कृषि आय होती है। किसान द्वारा अन्य व्यक्तियों की फसल को बेचने से होने वाली आय लाभ कृषि आय नहीं होती है, परंतु भूमि का मालिक किराए के रूप में प्राप्त उपज को अपनी दुकान खोलकर भी बेचता है तो उसके द्वारा इस प्रकार से प्राप्त आय कृषि आय होती है। अर्थात किसान द्वारा अपनी ही फसल को अपनी ही शॉप या बिजनेस में उसको एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अधिक कीमत पर बेचने पर भी जो आय होती है उसे एग्रीकल्चर इनकम ही कहा जाएगा। लेकिन वह किसी और की फसल को खरीदकर और उसे अधिक मूल्य पर बेचता है तो वह आय कृषि आय नहीं कहलाएगी, वह एक तरह से व्यापार से संबंधित आय कहलाएगी। नेक्स्ट है, इनकम फ्रॉम बिल्डिंग यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर, कृषि के काम आने वाले मकान की आय। यदि कोई मकान कृषि भूमि से लगा हुआ है और उस मकान का उपयोग कृषक के द्वारा अपने रहने के लिए या अपने भंडारण के लिए, गोडाउन के लिए किया जाता है तो मकान से होने वाली आय कृषि आय मानी जाएगी, बशर्ते कि कृषि भूमि आवश्यक शर्तों की पूर्ति कर देता है। इन शर्तों का उल्लेख पीछे किया गया है, किंतु ऐसे भवन का उपयोग कृषि के उद्देश्य के अतिरिक्त अन्य किसी उद्देश्य के लिए किया गया है जैसे आवासीय उद्देश्य के लिए अथवा व्यापार अथवा पैसे के उद्देश्य के लिए किराए पर देना भी इसमें शामिल है तो फिर ऐसे भवन की आय कृषि आय नहीं होगी।